कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब भी ठीक ठाक होंगे और आज सबके दोगे वैसे हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस नए व्लॉग के ऐसे स्टार्ट करते हैं, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। तो गाइस ये दुआ में बरसाई जा रही है कि आप सही नहीं बोल रही, सही नहीं बोल रही। तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मम्मा ने आज है ना ठेले वाला आया था, उससे मम्मा ने ली केरी चार की। गैस ठेले वाला केरियाँ बेचने आ रहा है, ये हो तो हो चुकी है पागल, तो उसको रहने देते हैं। तो मम्मा ने ना चार की केरी ली, वो बहुत ही ज़्यादा गैस खट्टी है, वो केरियाँ गैस बदतमीज है, इसकी बातों को इग्नोर करें। तो मम्मा ने ना केरियाँ ली हैं, वो बहुत ही खट्टी हैं, मम्मा बना रही हैं अचार, और हमारी मम्मा ने गैस अचार इतने मज़े का बनाती है ना, आप लोग भी घर पर अचार बनाते होंगे चटपटा सा। तो आज वो मना रही है, आज वो काट रही है, चांद काट रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बातों को। गाइस नो करें, नो करें। गाइस ये देखें, ये हमारी ये केरियाँ पड़ी हैं, ये केरियाँ पड़ी हैं। गाइस ये केरियाँ ना बड़ी खट्टी हैं, ये देखें इसके ना इस तरह से पीस करके रख रहा चांद, और बड़ी खट्टी गाइस केरियाँ गुठलियाँ उधर कर रहा, अभी मैं काटते हुए भी आपको दिखाती हूँ चांद कैसे काट रहा है। ये देखें गाइस, ये पीसने वाला नहीं होता, ये इसने बोल दिया हुआ और इसे काट रहा है। अभी देखें, अभी ये एक केरी काटता है ना, मैं दिखाती हूँ। ये देखें पहले इसको बीच में से ये ऐसे कट कर रहा है, देखें अब इसको बीच में से कट कर लिया। गाइस हम छोटे होते थे ना, मम्मा हमसे भी कटवाती थी ये, हम बड़े शौक से काटते थे ये। तो अभी ये देखें इसको बीच में से दोबारा कट कर रहा है, जैसे आधा हिस्सा यहाँ पर रख दिया, आधे हिस्से को दोबारा कट करके अब इसको भी बीच में से, अभी गाइस इसको भी बीच में से ये कट करेगा। ये देखें हम भी ऐसे ही काटते थे, मम्मा काट काट के देती थी, हम इसके अंदर से गुठलियाँ निकालते थे। ये थे अभी ये कटेंगे, फिर इसके अंदर मसाला लगेगा, फिर मम्मा इसको एक दिन सुखा देंगे, फिर मैं तेल में डालेंगे। ये अभी ये कर रही हैं, अभी चाँद ने ये काट के दिखा दी आपको, अभी ये चाँद सारी काट ले, मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो गाइस अभी न्यू व्लॉग की सनाने स्टार्ट कर ली है, और अभी चांद ना केरियाँ काट रहा है, हमें चार भी बना रहा है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, सना वालों को ज़्यादा पसंद है वैसे चार। और ना यहाँ पे ना रोशनी अच्छी है क्योंकि सामने जाली लगी है ना, तो इसलिए मैं इनका आपको यहाँ से सलाम करूँ। और काम वगैरह कर लिया है सारा घर का, मैंने झाड़ू भी पोछा दिया, सन्ना ने बर्तन धोए। क्या हो रही है, बोलना दोबारा से। झाड़ू दी, बर्तन धोए। गाइस इसने ख्वाबों में सारा काम किया है, कोई काम नहीं करती है, ये उठती है नहीं, दूर सब बोल रहे हो, दूर बोल रहे हैं भाई। है गाइस मच्छरी करती रहती है, कभी ये कर देती है, कभी पानी गिर देती है, फिर वो साफ करो। नहीं ऐसे बोल रहे, काम करती नहीं है गाइस। मैंने काम किया है, ठीक है, सारा काम किया है, पूरे बोलो नहीं किया, और गाइस ये काम किया है, आगे लेके आई खट्टी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी दे दे इस साइड से खाना। इन दोनों को इतनी खट्टी चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो बस अभी काम वगैरह करते हैं, मुझे ना गाइस कपड़े कटिंग करने हैं हम लोगों के ना बकरा ईद के, और देखूँ वो कटिंग करती हूँ, और एक छोटी बच्ची का सूट गाइस मैंने घुमा दिया, वो भी ढूंढते हैं, तो अभी चलो वो करते हैं। तो गाइस अभी मम्मा कह रही है कि तुम जो छोटी बेबी के सूट बना रही हो ना, पहले ना वो फाइनल कर दो, फिर उसके बाद तुम अपने उठाना। तो हम ऐसा करते हैं, छोटी बच्ची की ना दो ब्लैक सलवार हैं, वो सीते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो ना गर्मी होती है, इसके अंदर ना मैंने ब्लैक सलवारें रखी हुई थी दो, वो निकालती हूँ मैं ना उस कमरे में जाके ना सीऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी होती है। ये दो सलवारें अब ये कटिंग करके ना बच्ची की सी देती हूँ, और इसकी ना कमीज़ मैंने घुमा दिया, पता नहीं कहाँ घुमाई है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी ये कटिंग करते हैं, लेके चलते हैं इसको। गैस तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और मम्मा और चांद चले गए बाज़ार, और चांद ने केरियाँ भी काट दी हैं, फिर मम्मा ने इसको ना नमक लगा के धूप में सुखा दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपने अचार बनाया कभी, वैसे मुझे इतना पता नहीं है, मगर थोड़ा बहुत गैस पता है कि अचार कैसे बनता है। तो अभी दिखाती हूँ, मम्मा सुखा के गई हैं, कुछ सामान नहीं था इसलिए मम्मा और चांद को लेके गई हैं बाज़ार, क्या सामान उठाने में मदद करेगा, तो इसलिए आज चांद भी गया मम्मा के साथ, क्योंकि आज संडे, तो इसलिए। और आज हमारी मेरी भी छुट्टी है मदरसे की, इसलिए आज गई हूँ। तो आपको केरियाँ दिखाती हूँ मैं। तो गाइस चांद और मम्मा आ गए हैं, ये देखें ये आटा लाई है मम्मा, इसके अंदर आटा है, ये देखें थोड़ा सा ये फटे भी गए हैं यहाँ से,
देखो क्या ले रही हूँ, बस आ रही है मम्मा, अभी दिखाती हूँ। ये आटा लाई है और कुछ सामान उनके हाथ में चांद लेके आ रहा है, इसलिए ना मम्मा चांद को लेके गई थी कि सामान उठाने में ना मदद करेगा। अभी ये तो मैं देखो इतना सारा सामान, ये देखें, ये मम्मा तेल भी ले आई है चार के लिए और पता नहीं क्या क्या है, ये पकवान है और ये मसाला वगैरह है, ये पता नहीं क्या है इसके अंदर। अभी ये मम्मा खोलेंगे फिर ही दिखाएंगे गैस, तो ये मम्मा खोल लें फिर देखेंगे। मैं आपको केड़ियाँ दिखा रही थी, ये देखें मम्मा ने ना खेत पर जाके यहाँ पर सुखा दिया, नमक लगा दिया था इस पर, तो ये यहाँ पर सूख रही है, सूख जाएंगे। अभी मम्मा मसाला बनाएंगे इसका, वो भी मैं आपको आके दिखाऊँगी, फिलहाल ये देख लें। ये देखें मम्मा समोसे भी लाई हैं बाजार से और यहाँ मम्मा लाई का चटनी निकाल रही, चटनी जल्दी निकालो गाज, ये स्लो मोशन है तो ये निकाल लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मम्मा मिठाई भी लाई है, थोड़ी सी बर्फी है लेकिन मैंने खूब लग रही है, ये देखिए तो अभी ये फटाफट से खाते हैं। हाय गाइस, तो ना सनन कहाँ व्लॉग एंड किया था एक तो ना हम दो व्लॉग बनाते हैं और दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने कहाँ किया था उसने कहाँ किया था। मम्मा आई थी, मम्मा आ गई सामान लेके और हमने समोसे वगैरह गाइस खा लिए थे और हमारा पेट अभी सही है, मतलब भरा हुआ है, हमें भूख नहीं लग रही। और हमें ना गाइस अभी सालन मम्मा बना रही कलेजी, तो कलेजी को भरने में भी गाइस आप लोगों को पता ही है टाइम ज़्यादा लगता है कलेजी को भरने में, तो बस मम्मा ना कलेजी बना रही है तो बनेगी तो हम खाएंगे। अभी मुझे सिलाई करनी है, मैं बीच में सिलाई रोकती थी, वो क्यों रोकती थी क्योंकि ना गिट्टी नहीं थी, यहाँ से गिट्टी मिली नहीं, तो मम्मा शहर से बाज़ार से ना गिट्टी लेकर आई हैं, तो अभी सिलाई करती हूँ जब तक खाना वगैरह बन जाता है। और ये देखिए मेरी मशीन पड़ी हुई है यहाँ पर, ये इनका मम्मा वालों का कमरा है ना, हमने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती है, बाहर दूसरा जो रूम है ना उसमें इतनी ना ठंड नहीं रहती, तो अभी हम सिलाई करते हैं और साथ के साथ इसको चार्ज भी कर लेती हूँ, फिर चार्ज के बाद आपसे मिलते हैं। बस सालन बन चुका है, ये देखेंगे ना यम्मी सा सालन लग रहा है, और आज हमने रोटियां मंगाई हैं बाहर से, तो ये रही हमारा सालन, ये रही दुआ और मेरी, अभी जल्दी से लेके जाते हैं, ये दुआ को देते हैं पहले हम। दुआ खाना नहीं खाना आपने गल, दुआ ना कपड़े कटिंग करने में लगी पड़ी है, जो हमारे पकड़ा के जोड़े हैं ना ये उसमें लगी पड़ी है, अभी मैं इसको वहाँ पर रख देती हूँ, ये थोड़ा सा कटिंग कर ले फिर आके करेगी। तो हम खाना वगैरह खा के सो गए थे, तो अभी उठे हैं और मैंने असर की, हम तीनों बहनों ने अम्मी ने असर की नमाज़ पढ़ी है, और मैं सोई ना मम्मा ने चार डाल लिया गैस, बाल्टी मसाला वगैरह सब कुछ डाल के बाल्टी में रख दिया। अभी मैं ना मैं थोड़ी देर में ये सुबह को दिखाऊंगी क्योंकि गैस अभी असर का टाइम हो रहा है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो चुका है और सब बैठे हैं नमाज वगैरह पढ़ गया, अभी मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, बड़ा सा मिलते हैं मलाइका और जान टी वी देख रहे हैं, हम भी नमाज वगैरह पढ़ के, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। हाय गाइस, सो शाम का टाइम हो रहा है और अभी नमाज़ पढ़ ली थी मैंने असर की, और मैं ज़्यादातर वो लोग में नमाज़ वगैरह का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है ये करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो लोग समझेंगे कि भाई ये तो अच्छा बन रही है, ये मुलानी बन रही है इसलिए जिक्र करिए। तो खैर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं चार वक्त की नमाज़ पढ़ पाती हूँ, ईशा की गाइस नमाज नहीं पढ़ी जाती, मगर आज से मैंने ऐद किया है कि मैं ईशा की नमाज़ लाजमी पढ़ूँगी, और साथ में गाइस मैंने मुजम्मिल सूरत भी पढ़ी है। ये ना गाइस मुझे ना मतलब 3-4 साल पहले जब मेरा ये ऑनलाइन काम नहीं था तो मतलब रोज़ी का बहुत मसला होता था घर में, जैसे अबू इतना कमाते थे वो उसमें रेंट वगैरह यही पूरा हो जाता था, एक ही थे कमाने वाले, हम लोग इतना मतलब करते थे काम मगर इतना करते थे कि हम अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करते थे उस टाइम पे, सारी बहनें और भाई वगैरह जितना भी मतलब हम काम करते थे वो हम पढ़ाई वगैरह में, फीसें आपको पता है कितनी महंगी होती हैं इंटर की मैट्रिक की बीएससी की बीए की, तो उसमें पूरे होते थे। तो फिर ना किसी ने मुझे कहा कि ना तुम ना असर के बाद ना ये पढ़ा करो ना सूरत मुजम्मिल 7 दफ़ा, और सूरत रहमान मतलब 7 दफ़ा पहले मुजम्मिल पढ़नी है, फिर 7 दिन सूरत रहमान पढ़नी है, फिर 7 दिन सूरत मंजिल पढ़नी है,
मतलब ऐसे करके ऐसे मतलब पूरा वजीफा करना है उसका, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मेरा ये ऑनलाइन काम लग गया और हमारे घर के हालात बहुत 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 अच्छे हो गए। हमने मतलब पहले भी किसी से नहीं मांगा जब हमारे हालात नहीं थे, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमारा पूरा किया, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो मैंने वजीफे पूरे किए थे, काफ़ी दफ़ा किए थे, वो 2-3 साल तक किए थे। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं रोज़ ना असर के बाद ना सूरत मुज़म्मिल पढ़ लेती हूँ, उससे भी ना बहुत चीज़ें मतलब सही होती हैं, रोज़ी वगैरह, लड़ाई झगड़े ज़रूरी नहीं है, ये रोज़ी के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हों घर में, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हों, तो यह मैंने रख दी। तो पढ़ ली, दुआ मांग ली, सब कुछ हो गया, और मुझे ना भूख लग रही है गाय, और कल से गाय मेरा ना दलिया खाने को दिल कर रहा है, तो मम्मा को बोलूँगी कि ना दलिया बनाए हो, तो ना दलिया खाऊँगी फिर, तो कल मम्मा लेकर आएगी, अभी तो नहीं क्योंकि वो दलिया ना दूर से मिलता है थोड़ा। और ये लोगों को भी आज मैंने नमाज़ पढ़ाई है, मैंने कहा ये लोगों को भी ना अब नमाज़ की आदत डालूँगी, सना पर मलाइका को, और ये लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी। तो बस ये चल रहा है, किचन भी क्लीन है और ये रूम भी क्लीन है, मैं आपको तो गाइस अभी मलाइका का व्लॉग एडिट करने वाली है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।